नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा में वार्ड 51 में चला भाजपा सदस्यता का अभियान, सैकड़ों युवाओं और महिलाओं ने ली सदस्यता। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का 2024 का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। युवा वर्ग और महिलाएं उत्साहपूर्वक इस अभियान से जुड़े रहे हैं। इसी श्रृंखला में सोमवार को महानगर अध्यक्ष भानु महाजन जी के आह्वान पर कैलाश मंडल के वार्ड नंबर 51 में उत्तर विधानसभा के यशस्वी विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के निर्देशों को आत्मसात करते हुए सदस्यता शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के महानगर मीडिया सह संयोजक संतोष शर्मा के आवास पर आयोजित किए गए सदस्यता अभियान में सैकड़ों युवाओं और महिलाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत को आर्थिक और सामरिक महाशक्ति बनने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित वार्ड के 51 के भाजपा पार्षद कन्नू चौधरी, कैलाश मंडल के महामंत्री विकास छावड़ा, युवा नेता ललित गौतम, महानगर मीडिया सह संयोजक संतोष शर्मा, संत सुखराम दास जी महाराज, लाल बाबू शर्मा मंडल उपाध्यक्ष राकेश परमार आदि ने संयुक्त रूप से सदस्यता शिविर का संचालन किया। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिनिधियों ने सरकार की नीतियों और उपलब्धियों से नागरिकों को अवगत कराया और भाजपा को पुनः प्रचंड बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के आयोजक रहे संतोष शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में प्रदेश बहुसंख्यक समाज को अपेक्षित कर मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर प्रदेश को सांप्रदायिक हिंसा के आग में झोंका, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने के शासन में न केवल सूबे का चौमुखी विकास हो रहा है बल्कि प्रदेश माफिया राज और अपराध से भी मुक्त हो रहा है। उन्होंने नागरिकों से सपा बसपा और कांग्रेस का बहिष्कार करने और भाजपा के पक्ष में वोट बैंक तैयार करने का आह्वान किया। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।